रोमानिया में आपको जो ये सैलरी ऑफर किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, इट्स अमेजिंग टू स्टार्ट योर करियर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सभी के लिए जो जॉब सीकर विदेश जाकर काम करना चाहता हो। और आज मैं जो देश लेके आया हूँ वो है रोमानिया। दोस्तों आपको पता ही होगा, रिसेंटली रोमानिया जो है वो शेंजेन जोन में आ चुका है। और अगर यहाँ का वीज़ा आप प्राप्त करते हैं, अगर आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाता है तो आप पूरा शेंजेन जोन में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी जाए काम कर सकते हैं। क्या है पूरा प्रोसेस, कैसे आप रोमानिया में जॉब अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं, कितना दिन का वीज़ा वैलिडिटी होता है, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसमें एलिजिबल है, क्या क्या पूरा प्रोसेस है, इन तमाम चीज़ के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यही बताऊँगा तो कौन कौन सा पोजिशन में आप जा सकते हैं, क्या सैलरी मिल सकता है और कितना दिन का प्रोसेस होता है। तो वीडियो में तक बने रहें, पहले बार चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। आज हम बात कर रहे हैं रोमानिया को लेकर के। शायद बहुत लोगों को रोमानिया के बारे में पता नहीं होगा, और जिनको पता है शायद उनको ये नहीं पता होगा कि रोमानिया जो है वो शेंजेन में आ चुका है अप्रैल 2024 के बाद, राइट? अगर आपको पता नहीं है तो इसका जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जा करके सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी कौन कौन सा वैकेंसीज है, पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे कि क्या सैलरी होता है, फिर जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, और फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई करेंगे और कैसे पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा, सैलरी के बारे में ध्यान से सुनिएगा, फिर अगर आपको भी लगे कि हाँ मुझे भी रोमानिया जाना चाहिए तो आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला वैकेंसी मैं बताने जा रहा हूँ तो वो है FNB अटेंडेंट, यानी कि फूड एंड बेवरेज सर्विस में आपको काम मिल रहा है। इसका जो नेट सैलरी है दोस्तों वो RON 3000 है, जो बेसिक 2300 होगा और फूड अलाउंसेस 700 होगा, ठीक है। डेली टिप्स आपको मिलने वाला है, और फिलहाल जो भी एसोसिएट वहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको 1000 यूरो इंक्लूडिंग टिप्स मिल रहा है, ओके, सब कुछ खर्चा वर्चा काट करके। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड होंगे तो पहले खुद से रिसर्च करें। मैं आपको जो मेरे पास डेटा है वो बता रहा हूँ आपको। और अभी आपको क्या करना है, अगर आप अभी इंटरेस्टेड होंगे रोमानिया जाने के लिए तो कुछ करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करें। जो दूसरा वैकेंसी जो दोस्तों है असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट कुक आप शायद पता ही होगा, COMI 3, COMI 2 और COMI 1 को भी कहा जाता है। जो बड़ा पोजिशन है जैसे DCDP है, CDP है, CDC है, इनको जो असिस्ट करता है वो जो जॉब है, इसका जो सैलरी ये लोग ऑफर कर रहे हैं दोस्तों वो है 3500 RON, जिसका बेसिक सैलरी है 2500 बेसिक सैलरी प्लस गारंटीड टिप्स जो है वो 500 RON है। फूड अलाउंस इसमें भी 700 दिया जा रहा है। डेली टिप्स आपको मिलने वाला है। और अभी फिलहाल देखा जाए वहाँ का जो एसोसिएट काम कर रहे हैं इस पोजिशंस पे, दे आर अर्निंग मोर देन 1000 यूरो, यानी 1000 मिनिमम सैलरी वो इनकम कर रहे हैं, ठीक है। अब बता दूं मैं रिक्रूटमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है एम्प्लॉयर के तरफ से आपको जानना जरूरी है। जो सबसे पहला है नेशनैलिटी, तो आप अगर इंडियन हैं या नेपाली हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शुड बी 2 ईयर मिनिमम एंड दैट कैन बी एक्सटेंडेबल, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 2 साल का होगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रिन्यूअल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, लेकिन आपको मिनिमम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेना ही पड़ेगा। तीसरा, एकोमोडेशन प्रोवाइडिंग बाय द क्लाइंट, यानी कि होटल आपको एकोमोडेशन फ्री में मुहैया करा रही है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको एकोमोडेशन भी मुहैया करा रही है फ्रॉम एंड टू फॉर एकोमोडेशन, यानी कि आपका ऑफिस से आपका रूम तक और आपका रूम से आपका ऑफिस तक दोनों का ट्रांसपोर्टेशन आपको कंपनी दे रही है, ठीक है। तो आपका एकोमोडेशन हो गया, आपका टिप्स हो गया, आपका मैंने सैलरी बता दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बता दिया मैंने, और कौन इसमें अप्लाई कर सकते वो भी मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं खाने का, मैंने पहले बता दिया सैलरी के साथ में, फिर भी आपको डिटेल्स में समझना चाहिए। फूड अलाउंस डेली फूड बजट इज RON 70, ठीक है, डेली का 70 RON है,
कैंडिडेट कैन कलेक्ट द फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट फॉर वर्किंग आवर्स ओनली, इन दैट बजट दे कैन टेक द फूड, कॉफी और कूल ड्रिंक्स एटसेट्रा। तो देखिए जो फिफ्थ है दोस्तों वो है फूड एलेवेंसेस। आपको मैंने बता दिया कि भाई कितना एलेवेंसेस फूड का है, तो यहाँ पर बताया गया है जो बजट होता है डेली का वो 70 RON है, ठीक है, आपको समझना है इस बात को। कैंडिडेट कैन कलेक्ट द फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट फॉर वर्किंग आवर्स ओनली, ठीक है, यानी कि आपको खाना मिल जाएगा वहां पर वर्किंग आवर में। रेस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट हैव टू मैनेज देयर फूड दैट अमाउंट RON 700। जो बाहर से खाएंगे आप, आपको जो RON दिया जा रहा है फूड अलाउंसेस, आप बाहर से कुछ भी आप खरीद के खा सकते हैं। ड्यूटी टाइम में आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है, जो आप रेस्टोरेंट से खाना लेकर के खा सकते हैं, राइट, दैट इज फ्री फ्रॉम द कंपनी। नेक्स्ट, वर्किंग आवर्स कितना घंटा का होने वाला है, तो आपका वर्किंग आवर्स 11 आवर्स पर डे इंक्लूडिंग 30 मिनट्स ब्रेक, समझ गए, आपको हर एक दिन आपका जो ड्यूटी रोटा है दोस्तों वो है 11 घंटे का होगा, और इसमें आधा घंटा ब्रेक भी होगा, यानी कि 10:30 घंटा आपको काम करना है, आधा घंटा जो है आपका टी ब्रेक एंड लंच ब्रेक या डिनर ब्रेक, जो भी ब्रेक है वो 30 मिनट का होने वाला है, ठीक है। और आपको पर वीक 5 दिन काम करना है, यानी कि पर वीक आपको 2 दिन छुट्टी रहेगा, ठीक है, समझ गए अभी। तो ये हो गया आपका वर्किंग आवर, मैंने क्लियरली आपको बता रहा हूँ, क्लियरली समझा रहा हूँ, शायद इसके बाद आपके मन में कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए पूछने के लिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। जो 7वां कंडीशन है वो है ओवर टाइम। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है ना कि क्या मैं वहाँ जाने के बाद OT कमा सकता हूँ। आपको हर एक दिन आपका जो ड्यूटी रोटा है दोस्तों वो है 11 घंटे का होगा, और इसमें आधा घंटा ब्रेक भी होगा, यानी कि 10:30 घंटा आपको काम करना है, आधा घंटा जो है आपका टी ब्रेक एंड लंच ब्रेक या डिनर ब्रेक, जो भी ब्रेक है वो 30 मिनट का होने वाला है, ठीक है। और आपको पर वीक 5 दिन काम करना है, यानी कि पर वीक आपको 2 दिन छुट्टी रहेगा। तो ये हो गया आपका वर्किंग आवर, मैंने क्लियरली आपको बता रहा हूँ, क्लियरली समझा रहा हूँ, शायद इसके बाद आपके मन में कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए पूछने के लिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। जो 7वां कंडीशन है वो है ओवर टाइम। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है ना कि क्या मैं वहाँ जाने के बाद OT कमा सकता हूँ, राइट। तो OT के बारे में बता दूँ, एज पर रोमानियन लेबर लॉ प्रोवाइड बाय द क्लाइंट, तो आपको OT भी मिलेगा जो वहाँ का रूल्स है उस हिसाब से। जो 8वां टिप्स, यार हर कोई बात करता है इनकम के बारे में, तो ये बता दूँ आपको मैं, टिप्स आप कमा सकते हैं अगर सीजन का टाइम है तो आप बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपके स्किल्स के ऊपर, वो डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, वो डिपेंड करेगा आपका पर्सनल परफॉर्मेंस के ऊपर, राइट। तो आप चाहें तो बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। 9th, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ मैंने बता दिया, लेकिन नौकरी मिलेगा कैसा, तो उसके लिए भी कंडीशन है कंपनी का। आपका जो एजुकेशन है कुछ भी हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस होटल इंडस्ट्री से होना जरूरी है। दूसरा, आपका एज 23 साल से लेकर के 40 साल के बीच होना चाहिए, 40 साल प्लस नहीं होना चाहिए। तीसरा, आप काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति होना चाहिए, जाकर के नखरा नहीं करने वाला होना चाहिए। चौथा, आप जो भी काम करते हैं उस काम का आपको वीडियो बना के देना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। छठा, लास्ट में आपका जो इंटरव्यू होगा वीडियो कॉल से क्लाइंट के साथ डायरेक्टली होगा, यानी कि HR मैनेजर के साथ हो सकता है या F&B मैनेजर या रेस्टोरेंट मैनेजर, किसी के साथ भी आपका, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट का हेड आपसे बात जरूर करेगा वीजा प्रोसेस करने से पहले। तो शायद मैंने क्लियर सब कुछ समझा दिया दोस्तों आपको, ठीक है। अगर आप भी रोमानिया जाना चाहते हैं, अगर आप भी रोमानिया में ये जो 2 पोजीशन मैंने बताया, F&B अटेंडेंट और किचन असिस्टेंट, अगर इसमें आप जाकर काम करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, और इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी शायद आपको किसी भी यूरोपियन कंट्री में मिलेगा। बहुत लोग अभी कंपेयर करने वाले हैं सैलरी को लेकर के, तो मैं बता दिया, रोमानिया में आपको जो ये सैलरी ऑफर किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, इट्स अमेजिंग टू स्टार्ट योर करियर। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, जरूर बताना नीचे कॉमेंट बॉक्स। आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह का करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हर दिन लेके आता हूँ जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो मेरा गुजारिश रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के बस इतना ही,
मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।